नसरुल्ला गंज से है, जहां नीलकंठ में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं नीलकंठ गांव खाली कराने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी कंचन सिंह ठाकुर सहित सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर लगातार बढ़ते पानी को देखकर निर्णय लिए है। पानी बढ़ने के बाद बिगड़ते हालात को देखकर प्रशासन ग्रामीणों को समझाइश दे रहा है। वही बताया जाता है कि एक दर्जन से ज्यादा नर्मदा तटीय ग्रामों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए नसरुल्लागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। टिकाली नहीं डूबता ना, टिकाली में रखने सामान हमारा अपना जरूरी, ठीक है ना। सभी को बता दो, पूरे गांव में बता दो, चौकीदार को बता दो, चौकीदार के माध्यम से बना के करवा दो। सरपंच कौन बने नए, सत्यदास से कहाँ है और सचिव कहाँ है, बताओ जरा सचिव को सही नहीं पाए। अच्छा समझ गए ना, आपसे मैं सोच रहे कि पानी नहीं बढ़ेगा, पानी बहुत बढ़ेगा। आप और अपना अपने को उसकी तैयारी करनी है। यहाँ पे अपन लोग चौकीदार कहाँ है, ठीक है ना, आप समझ गए। सभी लोग बिल्कुल सतर्क रहना, ये मैं सोच रहे पानी वहीं से निकल जाएगा। पानी 15 से 30 फीट बढ़ेगा, 15 से 30 फीट बढ़ेगा तो वो पिछले साल जैसी स्थिति आएगी 2020 से। नहीं तो आप लोग बैठे ना, उनका नहीं अभी इतना ही बड़ा, इतना ही बड़ा मकान की छत पर चढ़ गए, फिर उस बात से पता लगा कि मकान की छत तक पानी आ गया, तो वो दिक्कत हो जाएगी। वो तो मवेशियों को सबको खोल दो, मवेशियों को बांध के मत रखें, है ना। तो मवेशी तो अपने खुले रहेंगे तो वो निकल जाएंगे जहाँ भी जाना उनको, है ना। और आप खाने पीने की चिंता मत करना, पैकेट वैकेट बनवा देंगे, नहीं तो उनका साथ खाने को नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा वो, हम पूरी व्यवस्था करा देंगे। आप लोग तैयारी कर लो सब लोग, ठीक है।